Hello everyone, in this video I explain 10-gram topic of the textbook. The 10-gram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the 10-gram we can make many shapes of animals, people and things. Means Chinese puzzle jo old, pehle bahut old hai ye, aur usme Chinese puzzle mein hota tha kya? Jo pieces of the 10-gram the, uska use karke animals ka shape, people ya koi bhi cheezo ko hum bana sakte hai. At the back of the book you will find a square like the one in this figure. ये जो 5 10 ग्राम दिख रहा है, इसको 5 10 ग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 5 पीसेस है जिसके ऊपर नंबर लिखे हैं। ये जो बुक है आपकी, उसके पीछे जो लास्ट पेज है मैं दिखाती हूँ, वहां पे आपको 5 10 ग्राम पीस दिया गया है। आप उसको चाहो तो कट कर सकते हो, और कट करके इसको अलग अलग तरीके से रख के आप अलग अलग डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। यहाँ पे है Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5-piece 10-gram. Use this 5 pieces to make the following figures. आप ये बना भी सकते हो, ओके? और पीछे से हम कट करके भी इसको इस तरीके से कैसे भी आप अरेंज करो तो आप ये क्या बना सकते हो, इसमें से कोई भी फिगर बना सकते हो। ये अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं आपको शो कर रही हूँ, मेरे पास मैंने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये 7 10 ग्राम के पीसेस मैंने बनाए हैं, तो मैं ये ट्राइंगल रखूंगी इसके लिए। उसके बाद मैं नीचे स्क्वायर रखूंगी जो वहां पे आपको दिखाया गया है, ये फिगर, और फिर नीचे उसकी एजिस पे एक दूसरा ट्राइंगल है, तो ऐसे रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस मैंने 7 पीसेस 10 ग्राम से ये 3 पीस को लेके इस तरीके से मैंने शेप बनाया है। आप इस तरीके से दूसरे शेप्स भी बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे शेप से, अगर आपको ये बनाना है, इसके पीछे ये भी था, तो देखो ये पहले मैंने ट्रायंगल रखा है ये, उसके बाद मैंने ये स्क्वायर रखा, उसके एजिस टू एजिस थोड़ी मिलानी है, थोड़ी बाहर रहेगी जैसे फिगर में है, फिर मैंने उल्टा ट्रायंगल रखा, और उल्टे ट्रायंगल के बाद ऐसा एक जो शेप है वो भी बनेगा। हम जब 10 ग्राम प्रॉपर वीडियो उसका देखोगे आप तब पता, ये तो ये ऐसे पूरा शेप बना, ओके? तो मतलब आपकी बुक में जो 5 पीसेस 10 ग्राम है उसको आप कट करके इस तरीके के डिफरेंट शेप्स बना सकते हो जो आपकी बुक में दिए हैं। इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो, माउंटेन भी। माउंटेन आप कैसे बना सकते हो तो मैं यहाँ दिखाऊंगी। ये मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है, उसके पास मेरे पास यहाँ पे ये छोटा, और उससे भी बड़ा एक ट्रायंगल है जो 7 10 ग्राम का है ये। तो हम इस तरीके से उसको एक दूसरे के साथ रख के भी हम बना सकते है। अगर इस दूसरे को ओवरलैप कर दो इस तरीके से, देखो, तो हम इस तरीके से एक और बड़ा सा माउंटेन भी बना सकते हैं। दिखा आपको, है ना इंटरेस्टिंग? तो आपको पहले ऐसे पीसेस बनाने पड़ेंगे, या तो फिर आप बुक में से पीछे से कट कर सकते हो। ओके, गो अहेड ऑन नेक्स्ट पेज। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? यहाँ पे आपके पास कितने ट्रायंगल है, तो आप देख सकते हो ट्रायंगल, आपको पता है कि 3 लाइन सेगमेंट से जो ट्रायंगल बनता है उसको लाइन सेगमेंट, उसको ट्रायंगल कहते हैं। ये 1, 2 एंड 5 नंबर के 3 ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? तो नो, वो सेम नहीं है, है ना? ये 1 बड़ा है और ये दोनों छोटे है। फाइंड इट आउट, तो हमने ढूंढ लिए, उसमें से सिर्फ पीस 2 एंड पीस 5 सेम है। Use the 2 small triangles in the 10-gram set to get the following shapes. ये shapes लाने हैं। अगर मैं 2 छोटे से triangles का use करूं तो क्या square बन सकता है? Yes. देखो, मैंने ये 2 triangles को एक दूसरे के साथ इस तरीके से रखा तो ये square बना। अब ये triangle बनाना है, okay? तो ये एक triangle हुआ, okay? उसके साथ हम इस तरीके से दूसरा triangle रखेंगे, तो इस तरीके का शेप भी आप बना सकते हो। अब आप उसको देखो ऐसे उल्टा करके, तो दिखा ट्रायंगल, है ना ये? फिर ये बनाना है, ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसकी, आपको थोड़ी ये मजा आएगा आपको अगर करना है ना, तो ये इस तरीके से किया तो आपको ये शेप मिलेगा, ओके? इसको देखने का तरीका अलग करो तो वो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा एग्जैक्ट शेप है, ओके? अब आगे बढ़ते हैं। विच 2 पीसेस ऑफ द 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम? फाइंड इट आउट, जो हमने यहां भी फाइंड किया था, पीसेस नंबर 2 एंड 5। टेक पीसेस 4 एंड 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड इट आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन ज्वाइन द अदर। मतलब ये जो 4 है
जो शेप फोर है रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है और जो फाइव नंबर का ट्रायंगल है उसमें से उसकी कौन सी साइड एक दूसरे के रखी जाएगी, तो आपको पता है कि ये दोनों सेम है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हुई है। सेम भी इसी साइड को अगर इस तरफ रखा जाए तो भी ये मैच हो जाएगी। तो ये मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है। फाइंड मैचिंग साइज अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस, मतलब वन एंड टू, जो ये वन एंड टू पीसेस है उसमें कौन सी साइड, जो साइड है उसकी वो मैचिंग कहां हो रही, मतलब कैसी है, कौन कौन सी साइड सेम है यहां पे। तो पीस वन में जो ये है वो और जो ये साइड है वो एक दूसरे से सेम है, उन दोनों वो एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहां कहीं भी उसके कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स मिल रहे हैं। पीस टू एंड फोर, पीस टू एंड फोर ये है, तो ये जो है लाइन ये वाली, ये लाइन इसके साथ सेम जाएगी। ओके मतलब अगर ये टू जो है अगर आप उसके ऊपर रखोगे तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। उसके बाद पीस वन एंड फाइव, वन एंड फाइव की ये जो साइड है वो सेम आएगी। पीस टू एंड फाइव, तो पीस टू एंड फाइव तो वैसे भी सेम है, उन दोनों की सारी साइड सेम ही है। अब द सेवन पीस टेन ग्राम, हियर इज द पिक्चर ऑफ द सेवन पीस टेन ग्राम। You can cut out these pieces and put them together in different ways to make some very interesting shapes. इसका 10 ग्राम भी आपकी बुक में पीछे दिया गया है, मैं बस दिखाना चाहूंगी। ये रहा 7 pieces 10 ग्राम, अगर आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, फिर आपको ऐसे प्रॉपर कट करके या तो फिर आप उसको एक थिक दूसरे कागज पे चिपका दो इसी को काट के और फिर उसको कट कर लो एजिस ये जो दी है वहां से, तो आपके पास पूरा 10 ग्राम मैंने जैसे बनाया वैसा बन जाएगा। ओके अब पीछे देखते हैं। ट्राई मेकिंग दिस शेप्स मीन्स जो 7-10 ग्राम है उसका यूज करके हमें ऐसी फिगर्स हम बना सकते हैं। तो अब 7-10 ग्राम के पीसेस अगर आपके पास इस बुक में से हम निकाले तो हम इस तरीके से कोई भी शेप बना सकते हैं। उसके बाद है नाउ ट्राइंग मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस रिटन हियर, यूज ओनली ट्राइंगल्स, सिर्फ ट्राइंगल्स का यूज करके ये बनाना है। ओके तो सबसे पहले ट्राई करते हैं मेरे पास जो है ट्रायंगल उसका। ओके तो यहां मैं दिखा सकती हूं आपके मेरे पास यहां पे इस तरीके से दो छोटे ट्रायंगल है तो मैं उनको रखना चाहूंगी ऐसे, या तो फिर उससे मैं एक स्क्वायर बना दूं पहले बीच का जो यहां पे दिखाया गया है, ये बनाया मैंने स्क्वायर, और उसके आसपास दो ट्रायंगल ऐसे रखने हैं कि जो उसकी साइड से ओवरलैप हो जाए। ओके तो यहां पे दो ट्रायंगल्स से आपने स्क्वायर तो बना दिया, दूसरे दो ट्रायंगल्स का यूज करके ये मेरे पास बड़ा है ये रहा, इवन इफ यू कैन से दिस वन आल्सो, एंड आप उसकी साइड्स पे इसको स्क्वायर बना के भी उसकी साइड पे रख सकते हो। सिर्फ ट्रायंगल्स यूज करने हैं, जो ट्रायंगल में ट्रायंगल निकलेंगे ना वो। ओके तो ये मैंने ट्रायंगल्स का यूज करके स्क्वायर बनाया है और उसकी साइड्स पे मैं क्या रख दूंगी, उस दूसरे ट्रायंगल्स रख के ये शेप बना सकते हो। यूज पीसेस 1, 2, 3 एंड 5, तो 1, 2, 3 एंड 5 यूज करके हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। 1, 2 आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, ये स्क्वायर बन रहा है। 3 और 5 को जब आप एड कर मीन्स उसके साथ लगाओगे तो वो रेक्टेंगल शेप फॉर्म करता है। ये 5 है, 5 को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, तो आप इस तरीके से उसको पहले थोड़ा टेढ़ा कर दो और फिर इस तरीके से हम जब उसको रखेंगे 1 के साथ ऐसे, फिर जो 3 नंबर है उस ट्रायंगल को हम सेट करते हैं। थोड़ा आपको वीडियो में शायद कम दिखे, ओके फॉर फिर इस तरीके से मैंने 1 और 3 को अरेंज किया है आपको थोड़ा सा, यस ओके और जो ये एजिस बाकी रही है वहां पे मैं दूसरा ये जो ट्रायंगल है वो अरेंज करके क्या बना सकती हूँ, रेक्टेंगल। ओके सिर्फ 2 ट्रायंगल्स का यूज करके हम स्क्वायर, वो मैंने सिखाया, 1, 2, 3, 4, 5 का भी यूज करके हम ट्रायंगल बना स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये 10 ग्राम जो है वो सिर्फ हमें क्या है कि हम दूसरे एनिमल्स के शेप्स और वो बना सकते हैं। ओके दूसरा एक कि अगर आपको 10 ग्राम खुद बनाना है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूं, आपको करना क्या है, 10 ग्राम पीसेस बनाने के लिए सबसे पहले एक A4 साइज का या कोई एक पेपर ले लो आपके पास घर पे भी हो तो, पहले उसमें से जो एजिस है उसकी, तो ये एक तरफ की कॉर्नर की एज यहां मिला दो यहां तक, और फिर ये जो एक्स्ट्रा एज रही उसको हम इस तरह से काट देंगे तो ये आपको स्क्वायर बन जाएगा। आपको सबसे पहले स्क्वायर पेज तो लेना ही पड़ेगा तभी आप घर पे खुद 10 ग्राम बना सकते हो। मैंने ये इस तरह से काट लिया, अब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी, ये स्क्वायर बना।
जो ये स्क्वायर बना है उसमें मैं क्या करूंगी, अब ये जो स्क्वायर लाइन है उसको हम ड्रॉ, ये क्रॉस लाइन जो बनी है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो हम फोल्ड करेंगे ना वही हमारे मेन पार्ट है। ओके, अब क्या करना है, ये हो गया फोल्ड, अब ये कॉर्नर से ये कॉर्नर फोल्ड करो, देखो। बट अब प्रेस नहीं कर देना है, सिर्फ उसको थंब से, ये जो कॉर्नर्स यहां पे एक दूसरे पे ओवरलैप किए, अब इसको क्या करो, देखो हिल गया ना, आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ के उसको अच्छे से ओवरलैप करके ऐसे पकड़ के रखना है, यहां उसको प्रेस करना है और फिर इस तरफ उसको प्रेस करके यहां से आधा ही, पूरा नहीं, थोड़ा ही। ओके, देखो मैंने पूरा नहीं किया। अब उसको क्या करना है, हमें यहां पे ये जो लाइन बन रही है ये हम उसके ऊपर ये ड्रॉ कर देंगे। ओके, थोड़ी टेढ़ा गया था पर मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो बन गया, अब इस तरफ आओ, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, उसको ये सेंटर जो मिला वहां पे फोल्ड लाना है ऐसे, और फिर उसको ऐसे करना है। ओके, अब ये जो आया उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये करने के बाद जो ये पॉइंट है उसको फिर से यहां कॉर्नर करो, ये कॉर्नर को यहां ले जाओ। अब यहां स्क्वायर फॉर्म होगा, ये जो हुआ ना वो स्क्वायर फॉर्म हो गया, आप देख सकते हो ये स्क्वायर फॉर्म है, सॉरी, हाँ ऐसे देखो, ये हुआ। ओके, ये एक हुआ, ये दो हुआ। हमने क्या किया, पहले ये फोल्ड किया, ये आधा फोल्ड किया, फिर इसको यहां फोल्ड किया और इसको यहां फोल्ड किया। अब कितने पार्ट बनते हैं पहले वो काउंट कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 और ये 5, अभी भी यहां करना है, क्या करना है वो मैं। अब जो ये जो हमने यहां पे ज्वाइंट कर दिया, ये तो स्क्वायर बन गया, ये ट्रायंगल है, अब इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं और ये एजिस को ये सेंटर तक लाते हैं, तो आप देख सकते हो कैसे करना है, ये सेंटर तक आया। ओके, अब क्या होगा, ये एक और ट्रायंगल बन जाएगा, आपको यहां से दूसरा एक फॉर्म मिलेगा, ये थोड़ा इतना नहीं करना है, ट्रायंगल ही फॉर्म करना है। आप इसको मैच कर दो इस तरीके से, ये तो ये बन गया आपका एक और ट्रायंगल। अब आप देख सकते हो यहां पे आपको कितने शेप्स मिले हैं, आपको एक बड़ा सा एक ट्रायंगल मिलेगा, दो ऐसे बड़े ट्रायंगल्स मिलेंगे और ये लाइन यहां तक जाएगी आपकी। ओके, ये पूरी लाइन बना देनी है। अब ये वन आप कोई भी तरीके से, और अगर आपकी बुक में से आपको नाम लिखने हैं तो भी मैं दिखा दूं आपको कि जो ये आपकी बुक है, बुक में भी सेम ऐसा ही किया गया है। अगर आपको इस तरीके से अगर सोचते हो कि इसको जो छोटा है तो छोटी साइड से बनाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे दो बड़े ट्राइंगल्स को 6 7 नाम दिया है, तो मैं भी यहां ऐसा करूंगी कि ये 6 ये 7। उसके बाद आपकी बुक में आप देख सकते हो कि यहां पे ये जो स्क्वायर है उसको 4 नंबर दिया है, तो हमारे पास स्क्वायर ये रहा, मैं यहां 4 नंबर लिख दूंगी। ये जो रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है वो 5 नंबर है, तो जो रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको वो कहां है, ये रहा ये। ओके, तो ये 5 लिख देंगे। उसके बाद जो ये 1 और ये 3 और ये 5, तो ये 1 जो है वो बड़ा ट्राइंगल है और 3 और 5 सेम है, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी ये दोनों सेम ट्राइंगल है। ओके, तो ये हो गया 1 7 4 5, अभी 2 बाकी रहा है, तो हमने 2 लिखा ना। ओके, 5 हमारा ट्राइंगल है, सॉरी, तो हम यहां पे पहले 2 लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा ये रेक्टेंगल शेप है। ओके, तो 1 2 2 जो है वो हो गया, 3 और 5 सेम ट्राइंगल है, तो मैं यहां पे 3 और 5 को सेम ट्राइंगल लिख दूंगी। अब रहा 6 6 जो है वो सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा, तो 6 और 7 भी हो गया, 1 जो है वो बड़ा सा एक ट्राइंगल, तो हम उसको यहां पे 1 लिख देंगे। ओके, तो आप इस तरीके से 10 ग्राम फिर कट कर सकते हो, मैंने इसी तरीके से बनाया था और ये जो है वो सारे 10 ग्राम के 7 पीसेस है। ओके, तो आप चाहो तो बुक के पीछे से कट करके उसको कलर तो ऑलरेडी किए हुए हैं, फिर उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके, मैंने इसके पीछे वेस्ट पेज था वो चिपका के क्या किया, उसको थिक बना दिया, तो जो ये फटे नहीं। ओके, थैंक यू।